अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। कैन यू हियर मी वेल? ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। टुडेज लेक्चर इज फ्रॉम लेविंसन 15th एडिशन एंड चैप्टर नंबर 18 which we started a few days back. It's still continued. And today's topic includes Helicobacter pylori and Campylobacter jejuni. Okay. So these are two important bacteria that we're going to cover today. Okay, let's start. Okay, so these are basically gram-negative enteric rods, as we are studying in this chapter, that the gram-negative rods, which are present within and outside the enteric tract. Okay, so Helicobacter pylori, these are gram-negative enteric rods, and they have a slightly curved shape, and they're flagellated. That means they're motile, and urease positive. This is one of the most important characteristics of this bacterium. So here you can see in these pictures, there is a little idea to remember. Helicobacter pylori is going to cause infections in the area of stomach, that is peptic ulcer, and obviously certain other infections of the stomach. And this one shows you Helicobacter pylori with, you can see this fan over the head of the bacterium. So it is going to help you remember that it is flagellated in such a way that there is a tuft of flagella on one pole of bacterium. ठीक है, यानी कि फोर फ्लैजेला इसके होते हैं, वो इकट्ठे जो हैं वो इस एक पोल पे कलेक्टिवली, जस्ट लाइक द विंग्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर। ठीक है, अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमने इसको हेलीकॉप्टर से क्यों रिजेम्बलेंस दी है, डिपेंडिंग ऑन इट्स मोटिलिटी, द टाइप ऑफ मोटिलिटी इट फॉर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियम, यहाँ पे इस डायग्राम में बड़ी क्लियरली इंडिकेट किया हुआ है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के। सबसे पहले तो इसकी शेप हम देखेंगे, ठीक है। ऑल्दो इट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड, बट इट इज नॉट अ स्ट्रेट रॉड। ठीक है, यहाँ पे ये कर्व शेप इसकी आपको नजर आ रही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि देर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, 1, 2, 3, 4, 4 हेयर एंड 4 हेयर। ठीक है, सो एट द पोल ऑफ द बैक्टीरियम देर इज अ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, ठीक है, विच हेल्प इन मोटिलिटी एंड कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस क्या चीज थी, जहाँ पे हमने इंफ्लेमेशन पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था कि इट इज बेसिकली अ केमिकल मीडिएटेड मूवमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, इन्फ्लेमेशन में हम कीमोटेक्सिस या कीमोटेक्टिक एजेंट्स में हम वो पढ़ते हैं C5A, C3A, ठीक है, और उसके साथ हमने पढ़ा था कि वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स वगैरह की जो है वो ये केमिकल ग्रेडियंट फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे बैक्टीरियम के हिसाब से कीमोटेक्सिस जहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो डेफिनेटली वो इस हिसाब से बताया हुआ है कि जो एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स इस बैक्टीरिया की है उसकी ग्रोथ के लिए, उनका जब स्टिमुलस उसको मिलता है तो ये उस स्टिमुलस की तरफ मूव करता है, ठीक है, टू कोलोनाइज अंडर द म्यूकोसा। सेकेंड इज यूरिएज। यूरिएज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एंड इट न्यूट्रलाइजेस द गैस्ट्रिक एसिड। जैसे हमें सबको पता है कि स्टमक के अंदर एसिड हमेशा प्रेजेंट होता है, विच इज हेल्पफुल इन डाइजेशन, तो ऑब्वियसली कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को सर्वाइव नहीं करने देगा बिकॉज ऑफ इट्स एक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ये अगर स्पेसिफिकली एरिया ऑफ स्टमक में या एरिया ऑफ हाई एसिडिटी में सर्वाइव कर जाते हैं, तो डेफिनेटली इनके पास कोई ऐसा कॉम्पोनेंट होगा जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता होगा। दिस इज द यूरिएज। लाइपोपॉलीसेकेराइड, चूंकि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसलिए एंडोटॉक्सिन या लाइपोपॉलीसेकेराइड इनका कॉम्पोनेंट है। इट हेल्प्स इन द एडहेरेंस ऑफ द बैक्टीरियम टू द होस्ट सेल्स एंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। अदर प्रोटीन्स जो इसके अलावा एडहेरेंस के लिए और भी प्रोटीन्स यूज हो सकती हैं, जो माइनर प्रोटीन्स हैं इसलिए उनके स्पेसिफिकली नाम मेंशन नहीं है। ओके, नाउ एक्सोटॉक्सिन, देयर इज अ वैक्यूलेटिंग टॉक्सिन, वैक ए इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इंजरी कॉज करती है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, सिक्रेटरी एंजाइम्स है, म्यूसिनेज है जो कि म्यूसिन को डैमेज करेगा, प्रोटीएज है जो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज है जो लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। सो बेसिकली ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरीज में भी इन्हीं का रोल है जिनका
डाइजेशन में रोल है. देन देर इज टाइप फोर सिक्रीशन सिस्टम. टाइप फोर सिक्रीशन सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ स्पेसिफिक सिक्रीशन सिस्टम जिसमें बैक्टीरिया अपनी टॉक्सिन जो है या अपनी कोई ऐसी प्रोटीन जो कि उसके पैथोजेनेसिस में हेल्प करती है, वो डायरेक्टली उसको इंजेक्ट कर देता है होस्ट सेल के अंदर. ठीक है, ये जैसे आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी है टाइप फोर सिक्रीशन सिस्टम की, कि जस्ट लाइक एन इंजेक्शन, जैसे हम इंजेक्शन से ड्रग को इंजेक्ट कर देते हैं जो जो भी रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में, उसी तरह से ये भी बैक्टीरिया अपनी टॉक्सिन को इस तरह से इंजेक्ट कर देते हैं. सो नेक्स्ट इज द इफेक्टर्स, दैट इज कैग ए. कैग ए क्या है? यहाँ पे एक्टिन रिमॉडलिंग हो रही है, इंटरल्यूकिन ए इंडक्शन हो रही है, होस्ट सेल ग्रोथ एपोप्टोसिस इनहिबिशन हो रही है. ठीक है, सो ये कंबाइंडली ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये इसके विलन फैक्टर्स हैं. इसमें क्या क्या आ गया? सबसे पहले स्ट्रक्चरल में आ गया फ्लैजिलम, ठीक है, लाइपोपॉलीसेकेराइड, फिर प्रोटीन्स आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा कि इसके अंदर एंजाइम्स कौन कौन से हैं. इसमें यूरिएज है, इसमें सिक्रेटरी एंजाइम्स है, और इसके अंदर एक एक्सोटॉक्सिन है जिसको वैक ए कहते हैं, और एक इसके ये इफेक्टर है कैग ए. तो ये एक और प्रोटीन है जो इसके ये इफेक्टर प्रोटीन है. ठीक है, ये आपने सारे कंपोनेंट्स याद रखे हैं. देर इज अ चांस कि आपके बुक में ये इस तरह से ना लिखे हुए हों, और आई थिंक कि नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन जहाँ पे आप पैथोजेनेसिस लिखोगे इसकी या स्टडी करोगे उसमें इन सब का रोल होगा, इसलिए हमने इनको लिस्ट आउट कर दिया है. डिजीजेस कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इसमें सबसे पहले गैस्ट्राइटिस आता है. एज द नेम इंडिकेट्स, दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. ठीक है, देन कम्स द पेप्टिक अल्सर. पेप्टिक अल्सर क्या होता है? बेसिकली अल्सर क्या है? एनी डिसकंटिन्यूएशन इन द एपिथीलियम ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो अल्सर में क्या होता है? जो एपिथीलियल लेयर होती है वो हमेशा डैमेज हो जाती है. ठीक है, इट कैन बी अ डीपर अल्सर ऑब्वियसली, बट पेप्टिक अल्सर जिनकी हम स्पेसिफिकली बात करें, इसमें जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एपिथीलियल लेयर है वो डैमेज हो जाएगी. ड्यूडिनल अल्सर में भी इसी तरह से जो ड्यूडिनम की एपिथीलियम की लेयर है वो डिसकंटिन्यू या डैमेज हो जाएगी. सो पेप्टिक अल्सर इज अ डिफेक्ट इन गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल वॉल दैट एक्सटेंड्स थ्रू द मस्कुलरिस म्यूकोजा इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द वॉल. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज रिस्क. इट इज ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा. कैसे? जो पेप्टिक अल्सर है ये एक क्रॉनिक डिजीज होती है, ओवर द ईयर्स ये चलती रहती है अंडर इट इज प्रॉपरली ट्रीटेड. तो जो क्रॉनिक डिजीज होने की वजह से ये स्टिमुलेट करती है जो बी सेल्स की ग्रोथ है उनको, और इसके इसकी स्पेसिफिक एसोसिएशन है माल्ट लिम्फोमा के साथ, विच इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड ट्यूमर. ये स्पेसिफिक इसके साथ आपने याद रखना है, दिस इज ऑफन आस्क्ड इन एमसीक्यूज, ये माल्ट लिम्फोमा या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा के साथ कौन सा बैक्टीरियम एसोसिएटेड होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेलिकोबैक्टर पाइलोराय. पेप्टिक अल्सर, इसमें थोड़ा सा आइडिया लेते हैं. सबसे पहले पेप्टिक अल्सर क्या चीज़ होती है हमने डिस्कस कर ली. अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराय कैसे इसमें अपना रोल प्ले करता है? बेसिकली गैस्ट्रिक म्यूकोजा में या इन सम एरियाज ऑफ द इंटेस्टाइन देयर इज अ म्यूकस लेयर व्हिच इज प्रोटेक्टिव लेयर. ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पाइलोराय का क्या फंक्शन है कि ये गैस्ट्रिक म्यूकोजा में से जो म्यूकस लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है, और कोलोनाइज कर जाता है जो स्टमक म्यूकोजा है उसके अंदर. सबसे ऊपर जो म्यूकस लेयर है जो कि प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि प्रिवेंट करती है जो स्टमक एसिड्स हैं उनसे स्टमक का अपना टिश्यू अफेक्ट ना हो. ठीक है, हमें पता है ना कि स्टमक के अंदर एसिड कंटिन्यूसली सिक्रीट हो रहा होता है विच हेल्प्स इन द डाइजेशन. ठीक है, तो स्टमक का अपना टिश्यू जो है उसको भी तो प्रोटेक्ट रखना जरूरी है ना. तो नेचर ने इसमें एक ही म्यूकस लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर इसमें प्रोड्यूस कर दी है. अब हेलिकोबैक्टर पाइलोराय जो है ये अपने म्यूसिनेज एंजाइम की हेल्प से और अपनी मोटिलिटी की हेल्प से इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोलोनाइज कर जाते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा के अंदर. और जो वो जो एरिया ऐसा है जहाँ से म्यूसिन की लेयर, म्यूकस की लेयर हट जाती है, वहाँ पे जब स्टमक एसिड्स टच करेंगे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाएगी, अल्सरेशन होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है, और फर्दर वो डीपर लेयर्स में मजीद एंटर होना शुरू हो जाएगा. Transmission, the natural habitat of Helicobacter pylori is human stomach. It is probably acquired by ingestion. Probably हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि it can be excreted from the body in the
स्टूल, ठीक है। सो फिकल कंटेमिनेशन अगर हो जाती है फूड या वाटर की, तो डेफिनेटली ये ट्रांसमिट हो सकता है फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, या इट कैन बी ट्रांसमिटेड इन अ कम्युनिटी। ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा एट रिस्क होंगे वही इसको डेवलप करेंगे। पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इज प्रॉब्ली पॉसिबल बिकॉज देर इज क्लस्टरिंग ऑफ इन्फेक्शन इन द फैमिली, ठीक है। सो देर इज अ जेनेटिक टेंडेंसी टू डेवलप दीज अल्सर्स, और इसके साथ जब ये एनवायरमेंटल कॉम्पोनेंट कंबाइन हो जाता है, somebody acquires Helicobacter pylori and there is genetic tendency to develop the disease, then he's going to develop septic ulcer. अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है बच्चों कि जो टिपिकली जो अमूमन लोगों में पाया जाता है वो जरूरी नहीं है कि वो septic ulcer हो, although it is possible, लेकिन जब तक आपकी investigations नहीं बताती तो तब तक हम कंफर्म नहीं कह सकते कि इस पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की ही डिजीज है। समटाइम्स इट इज जस्ट गैस्ट्राइटिस, ठीक है, जो कि लोगों को डेवलप हो जाता है इन केस कोई बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसाले वाली चीजें या बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें या कोई समटाइम्स इट इज ड्रग इंड्यूस्ड। तो जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोराय ही डेवलप हुआ हुआ हो, ठीक है। उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशंस करवाने कंफर्मेशन जरूरी है, दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा। ओके, सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराय जो है वो स्टमक के इतने शदीद किस्म के जो एसिड्स हैं जो फूड डाइजेशन में हर किस्म के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, उनसे ही कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व्ड हियर इज फ्लैजेला। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि फ्लैजेला जो है ये बैक्टीरिया की मूवमेंट या मोबिलिटी के लिए है, लेकिन इसके साथ साथ ये इसको प्रॉपरली लेके जाते हैं उस एरिया की तरफ जहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज कर सके या जहाँ पे ये हाइड करके ग्रो कर सके। सो इट इज एबल टू सेंस द पीएच ग्रेडियंट इन द म्यूकस एंड मूव टूवर्ड्स द लेस एसिडिक रीजन, ठीक है। सो हेलिकोबैक्टर पाइलोराय के पास इसके फ्लैजेला की वजह से या फ्लैजेलिन प्रोटीन की वजह से इट हैज अ सेंस कि वो जो है ना ये यहाँ पे कीमोटैक्सिस का रोल है कि इट मूव्स टुवर्ड्स द लेस एसिडिक एरिया एंड टू अवॉइड द एसिड एनवायरनमेंट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द स्टमक, ये अपने फ्लैजेला को यूज करके बरो कर जाता है म्यूकस लाइनिंग में ताकि एपिथेलियल सेल्स के नीचे पहुंच सके जहाँ पे एसिड एनवायरनमेंट कम है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मोटिलिटी जो है ना इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी। सो इट इज अ कर्व्ड बैक्टीरियम, इट हैज अ फ्यू नाइस फ्लैजेला एट वन एंड, सो इट इज सॉर्ट ऑफ कॉर्कस्क्रू इटसेल्फ डाउन थ्रू द म्यूसिन टू रीच द एपिथेलियल लेयर। अब ये कॉर्कस्क्रू जो है ये इस तरह की जो मल्टीपर्पज यूटेंसिल्स होती है, इसमें आप सब लोगों ने देखा होगा कि ये एक कॉर्कस्क्रू इसके साथ अटैच्ड होता है, ठीक है। एट प्रेजेंट इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है क्योंकि अब इस तरह की चीजें हम हमारे यहाँ यूज में नहीं होती हैं, बट देयर वाज अ टाइम जबकि जूस बॉटल्स होती थी, ग्रेप जूस बॉटल्स, एप्पल जूस बॉटल्स, दे यूज टू हैव कॉर्क, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो ऑब्वियसली वाइन बॉटल्स भी, उनमें भी कॉर्क लगाया जाता था कुछ पहले जमाने में। तो उसको जो है ना उसको ओपन करने के लिए ये कॉर्कस्क्रू की जरूरत पड़ती थी। अब इस कॉर्कस्क्रू की मोटिलिटी कैसी होती है, दिस इज अ कॉर्कस्क्रू, ठीक है। ये आप देखें, दिस इज अ आप कह सकते हैं दिस इज द कॉक ऑफ द बॉटल, ठीक है। तो इसकी मोटिलिटी कैसी होती है इसमें कि इसको यू टर्न करते हैं, ठीक है, विद प्रेशर, ठीक है, और ये इस तरह से स्लाइड करता हुआ, कर्ल करता हुआ इस कॉक के अंदर चला जाता है, देन यू पुल इट अवे, ठीक है। तो जो कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी है वो अब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि किसके फ्लैजेला जो है वो इकट्ठे होके बड़े पावरफुल तरीके से इस तरह से मूव करते हैं और इसको प्रोपेल करते हैं टू एंटर इनटू द लेयर ऑफ द म्यूसिन। So much more effective than the regular old straight rod that is trying to push its way. So ये in the next diagram we can see. यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि ये these are the two pairs of flagella, ठीक है, they have combined in a way there was the corkscrew, ठीक है, और ये इसी तरह से ये अपनी curling movement के जरिए से प्रेशर के साथ या फोर्स के साथ इसको प्रोपेल करेंगे ताकि ये गैस्ट्रिक म्यूसिन लेयर के अंदर चला जाए, उस लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ, और इसने पहुंचना है एपिथेलियल लेयर तक। अच्छा, वंस ये एंटर हो जाता है इसमें, ठीक है, तो अब ये देखिए ये वर्ल्ड की फॉर्म में इसके अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके इसका जो सेकेंड कॉम्पोनेंट है इसके बैलेंस फैक्टर्स में, दैट इज म्यूसिन,
म्यूसिनेज सॉरी, तो वो म्यूसिनेज यहाँ पे रिलीज होना शुरू होगा और इस एनवायरनमेंट में से म्यूसिन को ब्रेक डाउन करेगा. सो आप ये देख सकते हैं कि ये एक कंबाइंड एफर्ट है जिसमें ये कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी और म्यूसिनेज एंजाइम म्यूसिन की लेयर को डिस्ट्रॉय करके अंदर एंटर हो रहे हैं जहाँ पे एपिथेलियल सेल्स है वहां तक जा रहे हैं. ठीक है. अच्छा, ये इसी की वजह से इसको जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि इट हैज अ रिजेम्बलेंस विद अ हेलीकॉप्टर फैन, वो भी इसी वजह से है क्योंकि हेलीकॉप्टर को भी आपने देखा होगा कि वो उसकी मोटिलिटी जो है वो उस फैन की मूवमेंट की वजह से होती है. ठीक है, विद फोर्स. बट आई थिंक दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल ऑफ द कॉर्कस्क्रू. पैथोजेनेसिस में नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है यूरिएज. अब यूरिएज एंजाइम जो है ये क्या करता है, इट इज हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल इन द एसिडिक एनवायरनमेंट, क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट है वहां पे सर्वाइवल के लिए उसको मल्टीपल चीजें चाहिए जिनमें से एक जो है वो यूरिएज है. यूरिएज एंजाइम अगर नहीं होगा तो बैक्टीरिया खुद से सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, दे विल डाई. इट इज केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन यूरिया विच इज सिक्रेटेड इन टू द स्टमक इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. तो ये यूरिया जो स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है as a result of the metabolic processes, इसको ये convert करता है ammonia और carbon dioxide में. ठीक है, अब इस reaction को हम further इसकी identification में भी use कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं वो हम जब lab diagnosis पढ़ेंगे उस वक्त हम discuss करेंगे. Once ammonia is converted into ammonium ion, ठीक है, then the leftover hydroxyl ions, they will react with the carbon dioxide to produce bicarbonate ion. अब ये bicarbonate ion क्या करेंगे, ये जो stomach के acids हैं इनको neutralize करेंगे ताकि एक ऐसा area develop हो जाता है bacteria के इर्द गिर्द जहाँ पे there is less acidic environment. ठीक है, क्योंकि इसने survive करना है definitely. So it produces a neutralized zone around H. pylori and allows it to survive. ठीक है, so ये urease जो है ये इसके अलावा ये neutrophil recruitment में भी कुछ ना कुछ help करता है, pro-inflammatory cytokines भी produce करता है. ये diagram आपको बता रही है कि जब ये move कर रहा है into the stomach acid, acidic environment में जब ये move कर रहा है और अभी नहीं पहुंचा है epithelial layer तक या mucin layer तक, तो तब उस टाइम में इसने यूरिएज एंजाइम के जरिए से अपने इर्द गिर्द एक ऐसी एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर ली है जहाँ पे बायकार्बोनेट आयन और वाटर कंबाइन करके यहाँ पे लेस एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया. ठीक है, उसके बाद उसने एंटर कर लिया. अच्छा, अब अमोनिया जो है, ये जो अमोनिया इससे प्रोड्यूस हुई है ये क्या करेगी, जब ये एंटर हो गया एपिथेलियल सेल्स में और अमोनिया भी प्रोड्यूस हो रहा है तो ये एपिथेलियल सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये अमोनिया इसको हेल्प आउट करेगी. कैसे, अमोनिया के क्या क्या फंक्शंस हैं, ये स्वेलिंग करवा देगी इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स में. ठीक है, जो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है वो खत्म हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाएगी, एटीपी प्रोडक्शन रुक जाएगी, सेल साइकिल रुक जाएगा. सो द लॉस ऑफ द प्रोटेक्टिव म्यूकस कोटिंग प्रीडिस्पोजेस टू गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर. ठीक है, साइड बाय साइड इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं. म्यूसिनेज का हमने डिस्कस कर लिया, एपिथेलियल लेयर तक पहुंच जाएगा म्यूकस की लेयर को डिस्ट्रॉय करता हुआ और उसके बाद क्या होगा, एच पायलोरी विल देन अटैच टू द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इट एडहेयर्स टू द एपिथेलियल सेल्स बाय प्रोड्यूसिंग एडहेशंस विच बाइंड टू द लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन. अब ये एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर गया. बाइंड करने के बाद अब इसने अपनी टॉक्सिन रिलीज करनी है. ठीक है, हमने डिस्कस किया कि इसकी ये एक वैक ए टॉक्सिन. It produces the evacuating cytotoxin A, which damages the epithelial cells. अब जो epithelial cells हैं वो damage हो जाएंगे. ठीक है, H. pylori macrophages के अंदर भी survive कर सकता है. इसमें भी VAC A का role है. ठीक है, T cell production भी inhibit करने में VAC A का role है. तो अब आपने देखा है कि किस तरह से environment जो stomach के acid के अंदर उसने कैसे survive किया. Number one, उसने urease enzyme के जरिए से यूरिया को ब्रेक डाउन किया एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में. फिर उसके बाद इसी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करके इसने बायकार्बोनेट की एक एनवायरनमेंट अपने इर्द गिर्द बना ली, दैट इज लेस एसिडिक. फिर ये मूव कर रहा है कीमोटेक्सिस के जरिए से और जाके म्यूसिन लेयर के साथ अटैच कर रहा है. कैसे, कॉर्कस्क्रू मोटिलिटी की हेल्प से. सेकेंडली म्यूसिनेज एंजाइम की मदद से डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको, अंदर एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके एडहेयर कर रहा है, वहां पे जाके टॉक्सिन रिलीज करेगा, दैट इज द बैक ए टॉक्सिन जो कि साइटोटॉक्सिन है और एपिथेलियल सेल्स को डैमेज कर देगी. नेक्स्ट जो हमारे पास है साइटोटॉक्सिन एसोसिएटेड जीन कैग ए, इट एक्ट्स बाय disrupting the cell junctions, affecting the cell proliferation and differentiation. ठीक है, अब क्या हो रहा है,
सबसे पहले तो वो सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है ना वो वैक ए की मदद से स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद कैग ए आ गया, कैग ए ने और सेल जंक्शन को डिस्टर्ब कर दिया, सेल की प्रोलिफरेशन रुक गई, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो गई। अच्छा, जिन लोगों में कैग ए पॉजिटिव स्ट्रेन्स होते हैं इनमें जो सिवेरिटी है डिजीज की वो बहुत ज्यादा होती है और डेफिनेटली इनमें कैंसर प्रोडक्शन का भी बहुत ज्यादा चांस होता है। ये पॉइंट आपने याद रखने है कि अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कैग ए एसोसिएटेड जो स्ट्रेन्स हैं वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं, या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा या गैस्ट्रिक अल्सर्स की सिवेरिटी में कौन सी जीन का रोल है। एसोसिएशन विद गैस्ट्रिक ट्यूमर्स, इसमें हमारे पास दो तरह के ट्यूमर्स हैं, माल्ट लिम्फोमास दैट आर बी सेल ट्यूमर्स लोकेटेड टिपिकली इन द स्टमक बट दे अकर एल्सवेयर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एज वेल। अच्छा, माल्ट लिम्फोमा के जो लीजन्स हैं इसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का रोल देखा गया है। सेकेंडली, इसमें जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है वो प्रीडिस्पोज करती है प्रोलिफरेशन ऑफ द बी सेल्स एंड लीडिंग टू लिम्फोमा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है कि अगर हम जो है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का इन्फेक्शन ट्रीट कर लें तो समटाइम्स ट्यूमर भी रिग्रेस कर जाता है। रिकरेंट पेन इन द अपर एब्डोमेन, पेशेंट ने आपके पास कैसे प्रेजेंट करना है, देर इज पेन इन द अपर एब्डोमेन, देर इज ब्लीडिंग इन द जीआईटी, नो बैक्टीरिमिया और डिसेमिनेटेड डिजीज अकर। अच्छा, जो पेप्टिक अल्सर है उसमें हेलिकोबैक्टर पाइलोराई के इन्फेक्शन के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जो इसको कॉज करती हैं या इसमें वर्स साबित हो सकती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एनसीड्स, जो एनसीड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो कि आप पेन रिलीफ के लिए बहुत सारे पेशेंट्स को दिया करेंगे आगे आने वाले टाइम में जिसमें आपने पेशेंट्स ट्रीट करने हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें हमेशा आपने पेशेंट की हिस्ट्री में ये चीज़ पूछ लेनी है कि कोई मेदे में तकलीफ तो नहीं रही आपको कभी भी या अल्सर तो नहीं बना। अगर किसी पेशेंट की ऐसी हिस्ट्री आती है जिसमें उसको कभी भी पेप्टिक अल्सर की शिकायत हो चुकी है तो आपने एनसीड्स में से कोई भी ड्रग उसको नहीं देनी, उसकी बजाय आप कोई और पेन रिलीफ मेडिकेशन इस्तेमाल करेंगे जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा इससे। ठीक है, so coming back to the clinical features or symptoms of the infection of helicobacter pylori, there will be pain in stomach. ठीक है, अब पेन की वजह से क्या होगा, there is a guarding, patient जो है वो खा भी नहीं सकेगा ज्यादा, ठीक है, और डिक्रीज एपिटाइट उसकी हो जाएगी और एसिड प्रोडक्शन उसकी वजह से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो देर विल बी अ बैड टेस्ट इन द माउथ, दे कैन बी नोसिया, दे कैन बी अ सेंसेशन ऑफ फुल स्टमक, हार्ट बर्न होगा उसको, ठीक है, और समटाइम्स ब्लोटिंग भी हो सकती है। पेशेंट को आपने क्या क्या सैंपल्स हैं जो आपने लैब टेस्ट के लिए लेने हैं, आप गैस्ट्रिक म्यूकोजा की बायोप्सी ले सकते हो, आप एक स्टूल सैंपल ले सकते हो, या फिर आप इसका यूरिया ब्लड टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ वेरी मच डायग्नोस्टिक। ग्राम स्टेनिंग, अगर आपने जो है स्टूल सैंपल लिया है तो उसमें आप एंटीजन भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग में आपको ग्राम नेगेटिव कर्व रॉड्स नजर आएंगे, कल्चर करेंगे तो सर्कुलर कॉलोनीज ऑन द ब्लड एगर ग्रे कलर की। और बायोकेमिकल टेस्ट में इसमें याद रखिएगा कि जो यूरियेज एंजाइम है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द पैथोजेनेसिस, बायोकेमिकल टेस्ट में भी उसका इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। यूरिया ब्लड टेस्ट इज अ स्पेसिफिक टेस्ट दैट कैन बी हेल्पफुल इन डायग्नोसिस ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन। सेकेंड क्या है, डिटेक्शन ऑफ द स्टूल एंटीजन, क्लिनिकली आपके लिए ज़्यादा ईजी होता है कि आप स्टूल एंटीजन चेक कर लें। ठीक है, इसके अलावा सीरम आईजीजी एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का लैब डायग्नोसिस आपसे काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसकी पैथोजेनेसिस और लैब डायग्नोसिस दोनों बहुत अच्छी याद करनी है। अच्छा, लैब डायग्नोसिस पूछने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूरिया ब्लड टेस्ट जो है ना इसके बारे में आपसे हम अक्सर पूछ लेते हैं, वो क्या होता है, क्यों होता है, किस चीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, मैकेनिज्म क्या है इसका। सो पेशेंट इज मेड टू इंजेस्ट रेडियो लेबल यूरिया। ठीक है, आपने रेडियो लेबल्ड यूरिया इस पेशेंट को फीड करना है। जब पेशेंट ने इसको इंजेस्ट कर लिया है, पेशेंट ने इसको इंजेस्ट कर लिया, अगर उसकी बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरियम प्रेजेंट होगा तो उसके पास यूरियेज एंजाइम होगा। यूरियेज एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये स्प्लिट करता है यूरिया को इंटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अगर रेडियो लेबल्ड यूरिया को यूरियेज एंजाइम की मदद से स्प्लिट किया जाएगा इनसाइड द बॉडी तो इसमें रेडियो लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ठीक है, तो इसको आप कलेक्ट भी कर सकते हैं और इसकी रेडियो एक्टिविटी को चेक भी कर सकते हैं। अगर रेडियो लेबल्ड कार्बन डाइऑक्साइड कोई पेशेंट रिलीज करता है तो दैट मीन्स के ये टेस्ट पॉजिटिव है इस पेशेंट के
बॉडी में हेलिकोबैक्टर पाइलोराय इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक डायग्राम है, थोड़ा सा इंडिकेट कर रही है कि व्हाट हैपेंस के द पेशेंट इज मेड टू इंजेस्ट रेडियो लेबल्ड यूरिया। ठीक है, स्टमक में चला गया, एच पाइलोराय अगर वहाँ पे प्रेजेंट थे तो इट विल लीड टू द रिएक्शन। ठीक है, जिसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी एक्सहेल्ड एंड इट कैन बी कलेक्टेड and then it can be checked for the radioactivity. But what if Helicobacter pylori is not present? अगर नहीं होगा तो ये जो radio labeled ammonia urea आपने patient को ingest कराया है, it will go inside the stomach and it will come out unchanged in the urine. Any question till now? Okay. So, coming to the treatment of the Helicobacter pylori infection. आवाज कम आ रही है? अब सही आ रही है? Okay, चलें ठीक है. Okay. So, coming to the treatment of Helicobacter pylori infection. ठीक है? ये just this is just a distraction. ठीक है? इसको ना देखें. ओके, सो इसके ट्रीटमेंट का एक स्पेसिफिक नाम है. ठीक है, ये आप फार्माकोलॉजी में भी पढ़ोगे. इसको कहते हैं ट्रिपल रिजीम. ट्रिपल रिजीम का मतलब है, जैसे नाम इंडिकेट कर रहा है, कि तीन तरह के ड्रग्स इसमें इस्तेमाल होंगे. ठीक है, सो इट कंप्राइजेज ऑफ टू ड्रग्स टू इरेडिकेट एच पाइलोराय एंड वन ड्रग टू डिक्रीज द एसिड सिक्रीशन. ठीक है, okay. दो ड्रग्स हमने यूज करने हैं एच पाइलोराय को इरेडिकेट करने के लिए, और एक ड्रग हमने यूज करना है एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करने के लिए. क्यों हम एसिड सिक्रीशन को डिक्रीज करना चाहते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट द वाउंड टू हील. टू इरेडिकेट एच पाइलोराय देर शुड बी एटलीस्ट टू एंटीबायोटिक्स. ठीक है, अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ऑलवेज वर्क्स बेटर, इट इज लेस लाइकली टू फेल बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस टू द एंटीबायोटिक्स. तो कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉमनली हम इसमें यूज कर सकते हैं? अमोक्सिसिलिन हो सकती है, इसमें क्लेरिथ्रोमाइसिन हो सकती है, मेट्रोनिडाजोल हो सकती है. ठीक है, ओके. एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करने के लिए हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स यूज कर सकते हैं, जिसमें ओमेप्राजोल है, लैंसोप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, रिबोप्राजोल है. ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी. ठीक है, सो आपको ड्रग्स के नाम इतने याद करने की जरूरत नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिपल रिजीम में जो ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें दो एंटीबायोटिक्स होती हैं ताकि हम एच पाइलोराय को इरेडिकेट कर सकें, और एक ड्रग होगी ताकि हम एसिड सिक्रीशन को कम कर सकें ताकि पेशेंट का वाउंड हील होगा. ठीक है, ओके. Sometimes antihistamines are also used to stimulate the gastric acid secretion. Histamine antagonists are the drugs which are designed to block the action of histamine on the gastric cells and reduce the production of acid. ठीक है, so acid production को decrease करने के लिए use हो सकती हैं. इसमें different examples हैं इसकी भी, cimetidine, ranitidine, जो आपको अभी examples वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, इसके अलावा न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स और भी यूज हो सकते हैं, जिसमें ये बिस्मथ कंपाउंड्स होते हैं. रिड्यूस द रिस्क फैक्टर, जिसको हमेशा याद रखिएगा, एनसिड्स नहीं देने, पेशेंट को स्मोकिंग मना करनी है. ठीक है, दो चीजें आपने हमेशा याद रखनी है. जो भी पेप्टिक अल्सर डिजीज है वो हमेशा इंक्रीज होगी इन केस पेशेंट एनसिड्स की कोई भी ड्रग यूज कर रहा है या इन केस पेशेंट स्मोकिंग करता है. ठीक है, तो हमेशा स्मोकिंग के लिए पेशेंट को आपने मना करना है. So with this we come to an end to Helicobacter pylori, and now we're going to head towards the Campylobacter jejuni. ठीक है, Helicobacter pylori में से अगर आपने कोई question पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं. Then we will start the next topic. सबको clear है topic? सही से समझ आ गया? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस. इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग, ये छोटा सा टॉपिक है, बुक में ज्यादा लंबा नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके मेन पॉइंट्स आप में से हर एक को आने चाहिए. ओके, आई एज्यूम कि आप लोगों को समझ आ गया. ओके, चले नेक्स्ट इज Campylobacter jejuni. ठीक है, अब इसका भी नाम यही इंडिकेट करता है और हम पढ़ भी रहे हैं कि ये वो सब बैक्टीरिया है जो इंटेस्टाइन में इंफेक्शन कॉज करते हैं. तो Campylobacter jejuni, जैसे ये फर्स्ट स्लाइड आपको बता रही है, यहाँ पे आपने देखें कि दिस इज अ पर्सन हु लुक्स इन एक्सट्रीम पेन एंड हिज हैंड्स ऑन द टमी, दे इंडिकेट कि इसको कुछ ना कुछ
एब्डोमिनल पेन हो रही है इस वक्त, तो जो बड़ी सिवियर किस्म की है, या पेन है या क्रैम्पिंग है, इस तरह की कोई चीज है, ठीक है। और आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, दिस इज अ चिकन प्राउडली लाइंग एंड सेइंग कि कुक मी थॉरली, सो इट्स वेरी राइट, ठीक है। इलनेस का नाम है कंपाइलो बैक्टीरियोसिस, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो कंपाइलो बैक्टर जिजना है। इट इज फाउंड इन अंडर कुक्ड पोल्ट्री, नॉन पैस्चराइज्ड मिल्क, सरफेस वाटर, माउंटेन स्ट्रीम्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अंडर कुक्ड पोल्ट्री, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कॉमन इसका आपको क्लिनिकल सिनेरियो आएगा, इट इज रिलेटेड टू द कंजम्पशन ऑफ चिकन विच इज नॉट प्रॉपरली कुक्ड। सिम्टम्स क्या होंगे, डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे से डाइसेंट्री वाला सिम्टम आ रहा है। लास्ट टाइम हमने किसमें पढ़ा था, शिगेला में, उससे लास्ट टाइम हमने किसमें पढ़ा था, इकोलाई O157H7 में, ठीक है। सो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं विच कॉज डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, तीन ऑर्गेनिज्म हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। सो दे विल बी डायरिया एसोसिएटेड विद ब्लड, देर विल बी एक्सट्रीम क्रैम्पिंग, एब्डोमिनल पेन, नोसिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक एंड स्टिल मोर कॉम्प्लिकेशंस। So important properties of the Campylobacter are that they're curved gram-negative rods that appear either coma-shaped or S-shaped. ठीक है, इसमें भी आपने इनकी शेप सबसे ज्यादा याद रखनी है कि ये ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, लेकिन स्ट्रेट रॉड्स नहीं है, दे आर कर्व्ड एंड दे आर माइक्रो एरोफिलिक। माइक्रो एरोफिलिक क्या होता है बच्चों, बेसिकली ये वो है, माइक्रो माइक्रो का क्या मतलब है, कम, ठीक है, एरो एयर, so they need a concentration of oxygen that is less than the atmospheric concentration of oxygen, theek hai। So they grow best in 5% oxygen, where that is far less than the 20% which is present in the atmosphere। micro aerophilic hamesha yaad rakhiyega, micro for small quantity, aero air, theek hai। तो कंपाइलोबैक्टर जेजिनी ग्रोज वेल एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पेज आपके याद रखने के लिए या ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से इसकी आपने ये जो रिक्वायरमेंट्स है, ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स कंपाइलोबैक्टर की, ये हमेशा पूछी जाती हैं, लाजमी एग्जाम में जब भी इसमें से क्वेश्चन आता है इनके बारे में जरूर डिस्कस किया जाता है, ठीक है। तो आपको जब इसकी हिस्ट्री दी जाएगी, अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे शिगेला डाइसेंट्री से या इकोलाई जो O157H7 है, कि हम इनसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा बैक्टीरियम है जो कॉजेटिव एजेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें याद रखने के लिए, नंबर वन, इसमें एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होती है इसमें जो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सेकंड, जब भी क्लिनिकल सिनेरियो आएगा आपको ये टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई मिलेंगी, माइक्रो एरोफिलिक ग्रोइंग बेस्ट इन 5% ऑक्सीजन एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये तीन चीजें इसमें याद रखनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि कंपाइलोबैक्टर जिजनाए की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स लिखें, तो उसमें भी आपने यही लिखना है, दीज आर माइक्रो एरोफिलिक, दे ग्रो बेस्ट इन 5% ऑक्सीजन एंड दे ग्रो वेल एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड इज रियली हाई टेम्परेचर, ठीक है। अमूमन बैक्टीरिया इस पे सर्वाइव नहीं करते, मगर कंपाइलोबैक्टर जिजनाए सर्वाइव करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब भी किसी फूड को कंपाइलोबैक्टर सेफ बनाना है, आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उसका कोर टेम्परेचर रेज करना है, ठीक है। यानी कि प्रॉपरली थॉरली कुक्ड होना चाहिए। ट्रांसमिशन क्या है, डोमेस्टिक एनिमल्स इसका सोर्स बन सकते हैं, कैटल, चिकन, डॉग्स, अच्छा सबसे ज्यादा चिकन्स। ट्रांसमिशन इज यूजुअली फिकोरल, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद एनिमल फीसेस देयर मेजर सोर्स ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन। इसमें समटाइम्स पेट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, ठीक है, बच्चों में अमूमन इसी तरह से ट्रांसमिट होता है। फूड सच एज पोल्ट्री, मीट एंड अनपास्चराइज्ड मिल्क आर कॉमनली इन्वॉल्व। पैथोजेनेसिस इसकी आसान सी है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। फ्लैजेलिन एक प्रोटीन है जो कि कंपाइलोबैक्टर के पास बहुत एबंडेंटली फाउंड होती है। सो फ्लैजेलिन प्रोटीन डेफिनेटली इट इज रिलेटेड टू फ्लैजेला, ठीक है, दैट मींस ये भी मोटाइल है। कंट्रीब्यूट्स टू द बैक्टीरियाज मोटिलिटी विच अलाउज इट टू ट्रेवल थ्रू द होस्ट। Another portion of the flagella's virulence is chemotaxis. So, Helicobacter और Campylobacter दोनों में ये चीज आपको कॉमन नजर आ रही है। They're both
flagellated, motile, and they both have specific type of chemotactic response. Okay, which includes sensing the environment and rotating the flagella accordingly to benefit the bacteria. Mucin has been found to be a positive chemotaxin for Campylobacter jejuni. अच्छा अब जो chemotactic factor इसने जाना कहाँ पे, इसने उन areas में जाना है जहाँ पे mucin की layer present है, compatible with the bacteria's colonization of the intestine where there is less abundant mucus. ठीक है, so इसने intestine के उस area में survive करना है जहाँ पे mucin present है और उस area में नहीं करना जहाँ पे mucin की layer present नहीं होती. So bacteria can adhere to the gut enterocytes and once they adhere, they can induce diarrhea by toxin release. सबसे पहले adherence है, adherence में इसकी lipopolysaccharide या endotoxin layer इसको help out करती है और इसके अलावा flagella का भी role है. And once they get adhered, then they can be taken up by a cytoplasmic vacuole. Bacteria invade the host cell barrier through the use of flagellin. And what is the purpose of that all? ठीक है, अब इन्होंने क्या करना है, देर गोइंग टू प्रोड्यूस द टॉक्सिन जो कि बेसिकली साइटोलीथल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन है इनकी. ये क्या करेगी, ये सेल को ग्रोथ साइकिल में अरेस्ट कर देगी, सेल डेथ होनी शुरू हो जाएगी. इसी की वजह से जो है ये स्टूल में ब्लड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, डायरिया विद ब्लड, साइटोलीथल डिस्टेंडिंग टॉक्सिन. ओके, क्लिनिकल फीचर जिसमें क्या आएंगे, एंटेरोकोलाइटिस कैसे बिगिन करेगा, वॉटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया फॉलोड बाय स्टूल एसोसिएटेड विद ब्लड एकॉम्पनीड बाय फीवर एंड सिवियर एब्डोमिनल पेन. सिस्टेमिक इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली बैक्टीरिमिया आर कॉज्ड मोर ऑफन बाय कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस. ओके, देन कम्स द कॉम्प्लिकेशंस. अब जो कंपाइलोबैक्टर की इन्फेक्शन है, ये दूसरी सारी इन्फेक्शन जो हमने अभी तक जीआई इन्फेक्शन पढ़ी हैं, उनसे कैसे डिफरेंट है, स्पेशली जो डायसेंट्री प्रोड्यूसिंग दूसरे बैक्टीरिया हैं जैसे कि शिगेला हो गया या इकोलाई हो गया. इसमें जो है क्रॉस रिएक्शन हो जाता है. जियान बारे सिंड्रोम इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंपाइलोबैक्टर जेजुनी इन्फेक्शन. ठीक है, कैसे, इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस. जीबी सिंड्रोम में क्या होता है, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज. कैसे होती है कि जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी के अगेंस्ट बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं न्यूरॉन्स के ऊपर जो एंटीजन होते हैं उनके साथ. ठीक है, यानी बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है वो न्यूरोनल एंटीजन के अगेंस्ट क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं. सो जो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है इसका इन्फेक्शन इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिएक्टिव आर्थराइटिस, रीटर सिंड्रोम. ठीक है, वो भी हो सकता है इसमें. और अब हम डिस्कस करेंगे कि इनमें फीचर्स क्या क्या होते हैं. सो कमिंग टू द जियान बारे सिंड्रोम, ठीक है, इसको जियान बारे पढ़ते हैं. जियान बारे में क्या होता है, देर इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉली न्यूरोपैथी. इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन याद करने की बजाय आप ये याद करेंगे कि देर इज सिमेट्रिकल मसल वीकनेस usually begins in the legs and ascends. यानी कि legs में start होगी, there will be muscle weakness and it will be extending up to the upper parts of the body. ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, respiratory muscle weakness भी हो जाएगी, ventilator की जरूरत पड़ जाएगी patient को और उसकी जो deep tendon reflexes है ना वो absent होंगी. तो ये तीन चीजें हैं इसमें से जो याद रखनी है. अगर आपको ये तीनों याद ना रहें तो आपने ये याद रखना है कि जियान बारे, बार से याद रखें, जियान बारे देर इज अ बार. ठीक है, ये यहाँ पे कार्टून में बनाई हुई है, इफेक्टिंग द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज. ठीक है, उसके लेग्स से स्टार्ट हुए हैं एंड असेंडिंग सिमेट्रिकली सिमेट्रिकली टू द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. व्हेन दे रीच द दिस पार्ट ऑफ द बॉडी देन दे विल बी रेस्पिरेटरी वीकनेस, पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाएगा. सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ a complication of the Campylobacter infection. अच्छा,
सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या लिखी हुई है, रीटर सिंड्रोम. रीटर सिंड्रोम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्टिव आर्थराइटिस दैट हैपेंस एज अ रिएक्शन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द बॉडी. इसमें भी रिएक्टिव आर्थराइटिस है, दैट मीन्स इसमें भी क्रॉस रिएक्टिविटी हो रही है. उसमें जो है स्पेसिफिकली जीएन बारे में क्रॉस रिएक्शन कहाँ पे हो रहा था, जो न्यूरोनल एंटीजन थे उन पे हो रहा था. यानी कि बॉडी ने जो एंटीबॉडीज बनाई है कंपाइलोबैक्टर जिजनाए की अगेंस्ट, वो जो न्यूरोन्स के एंटीजन है उनकी अगेंस्ट भी काम करने लग गई है और उनको भी डैमेज करना शुरू कर दिया है. रीटर सिंड्रोम में क्या होगा, देर विल बी थ्री मोर ऑर्गन्स इन्वॉल्व. ठीक है, इसमें क्या क्या है, देर इज आर्थराइटिस, यानी कि जो एंटीबॉडीज कंपाइलोबैक्टर जिजनाए के अगेंस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हुई हैं वो जॉइंट एंटीजन्स पे एक्ट कर रही हैं जाके, वो आई में कंजक्टाइवा में जाके रिएक्ट कर रही हैं और वो यूरिथ्रा में जाके रिएक्ट कर रही हैं. तो तीन और एरियाज बॉडी के इन्वॉल्व हो गए, दैट इज यूरिथ्रा, कंजक्टाइवा और जॉइंट्स. ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे आप, इसको याद रखने के लिए बहुत ही आसान सा इसका एक फॉर्मूला है रिएक्टिव आर्थराइटिस का या रीटर सिंड्रोम का. पेशेंट कैन नॉट सी, ठीक है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है, सिवियर इन्फ्लेमेशन हुई भी है कंजक्टिवा में, पेशेंट कैन नॉट सी. देन पेशेंट कैन नॉट पी, देयर इज यूरिनेशन, सो पेशेंट कैन नॉट पी. एंड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस ही कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री. ठीक है, सिंपल सी आसान सी चीजें याद रखने के लिए, कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब अ ट्री, ये क्या बना, रिएक्टिव आर्थराइटिस या रीटर सिंड्रोम, जो कि कॉम्प्लिकेशन है किसकी, कंपाइलोबैक्टर जिजनाए के इन्फेक्शन की. और इसमें क्या होता है, एंटीबॉडीज जो बॉडी ने कंपाइलोबैक्टर जिजनाए के अगेंस्ट बनाई है वो एंटीबॉडीज क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी, जिसमें कंजक्टाइवा है, जॉइंट है, जॉइंट सर्फेसिस है या जॉइंट में सिनोवियल मेम्ब्रेन्स है, और इसके साथ तीसरी क्या चीज है, यूरिथ्रा. ठीक है, दिस इज इम्यून रिस्पॉन्स टू द एंटेरिक और जेनिटो यूरिनरी. अच्छा, इसमें कुछ लोगों का कहना यह है कि ये कुछ और एंटीजन्स के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं उसमें भी ये हो सकता है. दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू कंपाइलोबैक्टर, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो हम स्टडी करते हैं उसमें ये कंपाइलोबैक्टर की ही कॉम्प्लिकेशन है. तो अगर आपको एमसीक्यू या एसीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंपाइलोबैक्टर की कॉम्प्लिकेशन लिखे हैं, तो आपने इन दोनों के बारे में लिखना है. अगर आपसे पूछा जाता है दोनों के नाम लिखने हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि जियान बारे सिंड्रोम या रीटर सिंड्रोम किसकी कॉम्प्लिकेशन है और एमसीक्यू में आपको कंपाइलोबैक्टर जिजनाए का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने उसी को करेक्ट करना है. लैब डायग्नोसिस में दे वुड बी अ सैंपल ऑफ द स्टूल और समटाइम्स ब्लड. ठीक है, ग्राम स्टेनिंग, अच्छा ग्राम स्टेनिंग एंड माइक्रोस्कोपिक ग्राम नेगेटिव कर्व्ड कोमा और एस शेप रॉड्स विल बी फाउंड विद पोलर फ्लैजेला. कल्चर करेंगे जब आप ब्लड एगर पे, तो ब्लड एगर के अंदर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स होनी चाहिए जो कि फीकल फ्लोरा को इनहिबिट कर दें, यानी कि नॉर्मल फ्लोरा को इनहिबिट कर दें बिकॉज आपने फीकल सैंपल लिया है. एंड इट इज इंक्यूबेटेड एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड. हमने कंडीशंस क्या क्या पढ़ी थी, 5% ऑक्सीजन चाहिए, 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए ताकि ये बैक्टीरियम ग्रो कर सकें. एक तीसरी चीज भी है इसमें, दैट इज 10% कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये तीन कंडीशंस आपसे जब भी पूछा जाए कि कंपाइलोबैक्टर जिजनाए की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स लिखें, तो बच्चों उसमें ये तीनों चीजें आपने लिखनी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर. ठीक है, बायोकेमिकल टेस्ट में ऑक्सीडेज पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सेंसिटिव टू द नेलिडिक एसिड एंड दे आर मोटाइल. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस. अच्छा, कंपाइलोबैक्टर दो तरह का आपने पढ़ा, कंपाइलोबैक्टर जिजनाए जिसकी ये सिवियर किस्म की कॉम्प्लिकेशंस थी, और दूसरा है कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस. अब इन दोनों को आपस में कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, वही 42 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है जिसपे कंपाइलोबैक्टर जिजनाए तो ग्रो कर सकता है, लेकिन कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस इस पे ग्रो नहीं करेगा. ठीक है, अच्छा इसके अलावा नेलिडिक्सिक एसिड से भी हम इसको कन्फर्म कर सकते हैं. ट्रीटमेंट इसमें एरिथ्रोमाइसिन, यानी कि बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना है आपने, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो सकती है, बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करना है. ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंपाइलोबैक्टर इंटेस्टिनलिस इज अमाइनोग्लाइकोसाइड, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है जिसमें जेंटामाइसिन. प्रिवेंशन, प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल होगा, पर्सनल हाइजीन, हैंड वॉशिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने ये याद रखनी है. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई, फूड शुड ऑलवेज बी प्रॉपरली कुक्ड. ठीक है, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर. और इसमें से आपने जो कुछ पूछना है आप अभी पूछ सकते हैं.
इसके अलावा अगर आपका आपका जो टेस्ट है बच्चों उसकी नई डेट अनाउंस हो गई है, दैट इज 30th मई, क्योंकि 23 मई को आपका टेस्ट नहीं हो रहा, अब आपका टेस्ट होगा 30th मई को, ठीक है। सो टॉपिक्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, उसमें जनरल बैक्टीरियोलॉजी के सारे टॉपिक्स हैं एक्सेप्ट फॉर होस्ट डिफेंस का चैप्टर नहीं है, और वैक्सीन का चैप्टर नहीं है, और लैब डायग्नोसिस का चैप्टर नहीं है, ठीक है, तीन चैप्टर्स नहीं है। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उसमें से आपके पास सीडी सीडी क्या है, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, नहीं 30th मई की बेटे अब आपकी यही डेट आई है, 30th मई को हमारा होगा, और कम्युनिटी डेंटिस्ट्री का अगर उसमें पहले था तो अब वो दोबारा से एक वीक आगे चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो ईद हॉलीडेज हो रही है वो 22nd से लेके 26th तक हो रही है, 27th से दोबारा आपके लेक्चर स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि ईद हॉलीडेज के बीच में आ रहा है 23rd वाला टेस्ट, तो इट हैज बीन पोस्टपोन टू 30th मई, ठीक है। और बाकी सारे टेस्ट भी इसी तरह फिर एक एक हफ्ता आगे चले जाएंगे। अच्छा, तो हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जनरल बैक्टीरियोलॉजी का मैंने आपको बता दिया, और जो स्पेशल है उसमें से आपके पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में से स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे, फिर उसके बाद आपके पास ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का एक चैप्टर आएगा जिसमें आपके पास नॉन स्पोर फॉर्मिंग और स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, वो आपने सारे करने हैं। और उसके बाद एक थर्ड चैप्टर है जो कि चैप्टर 22 है एक्टिनोमाइसिस का, उसको आपने नहीं भूलना, बच्चे अमूमन उसको तैयार करना भूल जाते हैं, लेकिन बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स हमारे लिए एक्टिनोमाइसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें से मैंने क्वेश्चन लाजमी देना है, ठीक है, छोटा सा 2 सफों का चैप्टर है, उसको आप सबने जरूर करना है। बच्चों आई हैव नो आइडिया अबाउट द प्रॉफ, जो आप लोगों की सप्ली की डेट जो आई है वो उसके मुताबिक ही डेट शीट चलेगी, अगर UHS उसको पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि अभी तक हम सुन तो यही रहे हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 31 जुलाई तक शायद नहीं ओपन करना है, या पता नहीं 15 जुलाई तक नहीं ओपन करना है, व्हाटएवर, लेकिन लेट्स सी कुछ दिनों में ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आज के लेक्चर में से किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उसमें से क्वेश्चन पूछ लें, अभी भी आपने जो पूछना है। We still have time. Almost 10 minutes are there. So, अगर किसी को हेलिकोबैक्टर या कंपाइलोबैक्टर में से कुछ नहीं समझ आया, या टेस्ट के सिलेबस में से ही भी अगर आपने कुछ पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं, और इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल ट्राई कि हम कम अज कम लास्ट 5 या 7 मिनट्स ऐसे रख लिया करें जिसमें अगर आपको टेस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकें। थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें उसको, एकदम से नहीं होगा, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। हाँ जी, ओके, फॉर दोज Who would be preparing for the supplementary exam? If they need any help, okay. Syllabus दोबारा बता दूँ, syllabus है आपका gram positive bacteria के आगे, सारा दोबारा बता देती हूँ। जनरल बैक्टीरियोलॉजी के चैप्टर्स हैं आपके टेस्ट में, ठीक है, उसमें से एक होस्ट डिफेंस का चैप्टर नहीं आएगा, वो हम इम्यूनोलॉजी के साथ करेंगे, ठीक है। लैब डायग्नोसिस का चैप्टर इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपने जो स्पेसिफिक बैक्टीरिया पढ़ने शुरू किए हैं उन सब में आपने ये सारे स्पेसिफिक टेस्ट रिपीटेडली पढ़ते रहना है, तो इसको इस टेस्ट में हमने स्पेसिफिकली इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड, आपका वैक्सीन का जो चैप्टर है वो टेस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वैक्सीन भी जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगी हम आपको उस स्पेसिफिक बैक्टीरियम के साथ या वायरस के साथ उसकी वैक्सीन पढ़ा देंगे। जनरल में भी आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें से क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। तो तीन चैप्टर जनरल बैक्टीरियोलॉजी में से इंक्लूडेड नहीं है, होस्ट डिफेंस का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, वैक्सीन का चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है, और लैब डायग्नोसिस का इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सेकेंडली, आपके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें से आपने ग्राम पॉजिटिव कोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफलोकोकाई अच्छी तरह करने हैं। उसके बाद ग्राम पॉजिटिव रॉड्स में आपके पास स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग रॉड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मेरे ख्याल है मैं नाम भी बता देती हूँ आपको, उसमें
सबसे पहले हमने बेसिलस पढ़ा था, बेसिलस एंथ्रेसिस है, बेसिलस सीरियस है, फिर हमने उसके बाद क्लॉस्ट्रिडिया पढ़े थे, चार टाइप्स थी क्लॉस्ट्रिडिया के, ठीक है। उसके बाद हमने ये पढ़े थे कोरैनी बैक्टीरियम और लिस्टीरिया, और इसमें एक छोटा सा टॉपिक आपका अलग से भी दिया हुआ होगा गार्डनेला वेजिनालिस का, ठीक है। सो उसको भी एक छोटी सी रीडिंग आप दे लें, ठीक है, वो बहुत आसान सा छोटा सा मुन्ना सा टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और चैप्टर है, चैप्टर 22। चैप्टर 22 में एक्टिनोमाइसिस दिए हुए हैं, ठीक है। तो बीइंग डेंटिस्ट्री स्टूडेंट्स, हमारे लिए एक्टिनोमाइसिस का चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज मोस्टली रिलेटेड टू द डिजीजेस ऑफ द ओरल कैविटी, ठीक है। तो उसमें से तो क्वेश्चन आपके टेस्ट में आना ही है, एक्टिनोमाइसिस कोई बच्चा नहीं छोड़ेगा। इट इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर ऑफ जस्ट 2 पेजेस। और इसके अलावा ये कि आपके जो सीआर हैं उनको मैंने लेविंसन और रॉबिन्स दोनों बुक्स की पीडीएफ शेयर करनी है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास बुक अवेलेबल नहीं है, तो वो सीआर से कांटेक्ट करके उनसे पीडीएफ ले सकता है बुक का, ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है सबके पास होंगी बुक्स। जी, एनी अदर क्वेश्चन? No questions till now. सब कुछ समझ आ गया है? आज का टॉपिक सबने अच्छी तरह से समझ लिया है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, दैट मीन्स आपको माइक्रोबायोलॉजी इजी लग रही है फिर। बैक ए का बता दूं? अच्छा, मैं वो स्लाइड रिपीट कर देती हूँ। अच्छा जी, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी सारा करना है टेस्ट के लिए। बच्चों, क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी में से आपके पास 3 चैप्टर्स हैं जो आपने करना छोड़ना नहीं है कुछ। यू कैन बी आस्ड एनी बैक्टीरियम, इसी के बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका जो पैटर्न है वो बेसिकली वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्लासिफिकेशन में कहाँ पे स्टैंड करता है बैक्टीरियम, यानी ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रॉड है या कोकाए है, स्पोर फॉर्मिंग है या नॉन स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें से जो है वो बेसिकली इसी तरह का आता है कि आपसे बैक्टीरियम के वायरल फैक्टर्स पूछ सकते हैं हम, अगर वो कोई टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो हम उन टॉक्सिन्स के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, पैथोजेनेसिस आपसे पूछी जा सकती है, लैब डायग्नोसिस पूछा जा सकता है, और अगर किसी बैक्टीरियम की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन है जो कि मैंने आपको स्पेशली बताई होंगी कि किस किस की वैक्सीन है जो आपने पढ़नी है, तो अगर इनमें से किसी की वैक्सीन है तो वो पढ़नी है, या अगर किसी का कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी और का नहीं, मतलब कुछ स्पेसिफिक किस्म का फंक्शन है, जैसे कि हमने बॉटुलिनम टॉक्सिन में पढ़ा था कि इसको कहाँ कहाँ पे ट्रीटमेंट्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इस तरह की जो चीजें होती है ना, वो डेफिनेटली आपने पढ़नी होती है, किसी के भी जो टिपिकल पिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कोई ऐसी चीज है जो स्पेसिफिक है उस बैक्टीरियम के साथ, ठीक है। अच्छा, वैक ए कौन पूछ रहा था? जी, ये देख लें, ये छोटा सा लिखा हुआ है, शायद इसकी डिटेल बुक में ना लिखी हुई हो, ठीक है। वैक ए जो है ये एब्रीविएटिव है वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए का, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये किस चीज का एब्रीविएशन है, वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन ए, ठीक है। साइटोटॉक्सिन का क्या काम होता है? साइटोटॉक्सिन का वर्ड जहाँ पे भी लिखा होगा दैट मीन्स कि ये सेलुलर डैमेज कॉज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि हम स्टमक के एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, इसलिए वैक ए जो है ये डैमेज कर रहा है स्टमक की एपिथेलियल लेयर को, और एपिथेलियल लेयर को डैमेज करने के बाद क्या होगा कि हेलिकोबैक्टर पाइलोराय जो है वो इसके अंदर एंटर हो जाएंगे, मजीद डिस्ट्रक्शन कॉज करेंगे, जो स्टमक का एसिड है वो इस लेयर को मजीद डैमेज करता जाएगा, ठीक है। और इसकी मदद से जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराय मैक्रोफेजिस के अंदर सर्वाइव भी कर जाते हैं, और जो टी सेल प्रोडक्शन होती है वो इनहिबिट हो जाती है, इंटरल्यूकिन 2 प्रोडक्शन को डिक्रीज करती है ये, ठीक है। तो ये फंक्शन है सारे वैक ए प्रोटीन के। ठीक है हुमा, वैक ए आपको क्लियर हो गया? एनीथिंग एल्स? किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है रिलेटेड टू द टॉपिक और रिलेटेड टू द टेस्ट? नो?
अच्छा, एक सजेशन जो है मेरी थोड़ी सी आप लोगों के लिए वो ये है कि जो लोग भी अभी तैयारी शुरू करने लगे हैं अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम की, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम देने लगे हैं, बच्चों सबसे पहले अपने लिए पास्ट पेपर अरेंज कीजिएगा और उसमें से जो है ना वो क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पिछले 5 साल में पूछा गया है। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप टू दी पॉइंट चीज़ें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन 5 साल में आया बस वो करके चले जाएं तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन बेसिकली माय पर्पस ऑफ सेइंग दिस, इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको आंसर की फॉर्मेशन आएगी। अगर इन केस उसमें से ही कोई क्वेश्चन दोबारा पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर इजीली। आपका जो आंसर फॉर्मेशन में टाइम वेस्ट होता है, जिसमें आप सोचने बैठे होते हो कि अच्छा इसके आंसर में क्या लिखना है, वो चीज़ आपकी ओवरकम हो जाएगी। सेकेंडली, आपको ये भी पता चल जाएगा कि एक टॉपिक में से किस किस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो जो लोग जिन लोगों ने तैयारी शुरू की है, अपने लिए पास्ट पेपर जो है ना कम अज़ कम नेट से सर्च करें, डाउनलोड करें, अपने टीचर से रब्ता करें ताकि वो आपसे शेयर करें। ठीक है, और कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इसके अलावा जो सारा साल आप लोगों को टेस्टों में क्वेश्चन दिए जाते रहे हैं, वो बड़ी हद तक उससे रिलेटेड चीज़ें ही होती हैं पेपर में भी, क्योंकि हम यहाँ टेस्ट आपके ज़्यादा टेस्ट लेने का मकसद भी यही होता है कि कोई टॉपिक ऐसा ना रह जाए या कोई क्वेश्चन ऐसा ना रह जाए जो जिसकी हम आपको प्रिपरेशन ना करवा दें। ठीक है, सो अपने जो कॉलेज के पास पेपर्स हैं जितने मैक्सिमम आपको मिल सकते हैं या जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर जो आपके टेस्ट होते रहे हैं, उन सारे पेपर्स को भी खोल के देखें कि उसमें किस किस तरह से उस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा गया है। अपने पास पेपर जो यूएचएस के हैं उनको भी खोल के देखें ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको आइडिया हो जाए कि एक टॉपिक में से किस तरह के आ सकते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। चलें, ओके, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर द टेस्ट एंड फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, सो वी विल हैव अ लेक्चर नेक्स्ट वीक। ठीक है, उसमें हम स्यूडोमोनास पढ़ेंगे और बाकी उसके बाद छुट्टियों के बाद जो हमारे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं इसमें से हम वो कवर करके फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सो टिल दैट टाइम, अभी आप लोगों के पास 4 छुट्टियां भी आनी है जिसमें आप थोड़ा सा कर सकें। 4-5 छुट्टियां आएंगी अभी, ईद हॉलीडेज जो आएंगी उसमें इतना ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पूरी तैयारी टेस्ट की नहीं कर सके तो कम अज़ कम अपने जो चीज़ें समझ नहीं आ रही ना वो वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर निकाल लीजिएगा, ताकि ये हो कि फिर हम छुट्टियों के बाद जो हमारा फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, एक ही लेक्चर होना है मेरा ख्याल है, उसके बाद आपका टेस्ट हो जाना है, तो उसमें इन केस यू नीड सम टाइम टू डिस्कस एनी ऑफ देम। ठीक है, तो दैट वे आपकी क्यूरीज भी साथ साथ ही सॉल्व हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप लास्ट डे पढ़ने के लिए बैठो और आपको चीज़ें ना आ रही हो। टाइम अभी आपके पास है, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। छुट्टियों के बाद मेरा ख्याल है कि आपका एक ही टेस्ट होने लगा है जो अभी होने लगा है, बीच में कोई और टेस्ट नहीं हो रहा। लाइक हम ट्यूसडे को अगर ज्वाइन करेंगे तो आपके पास इन बिटवीन कोई और टेस्ट नहीं हो रहा, आपका फर्स्ट टेस्ट वेंसडे को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट आपका यही आना है। तो ईद वाले दिन तो बेशक आप ना पढ़िएगा, वो आप छुट्टी ले सकते हैं आराम से, लेकिन अब ये कि थोड़ा सा उसमें जो है ना एक आध दिन निकाल लीजिएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, और गो थ्रू करें अपने सिलेबस को, उसमें से देखें अगर कोई टॉपिक ऐसा रह गया हुआ है जो आप लोगों को समझ नहीं आया हुआ, वी कैन हैव अ क्विक रिवीजन ऑफ दैट टॉपिक। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी को इंडिविजुअली भी नहीं आ रहा तो वो भी कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को कंबाइनली समझ नहीं आया हुआ, आपस में डिस्कस कीजिएगा कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई हुई है जो आपको नहीं आती है, तो हम उसको फिर कवर कर लेंगे टेस्ट से पहले पहले। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।